गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग पढ़ चुके थे कि डिक्रीज्ड फूड इनटेक से कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से खाना कम हो जाता है या कम खाते हैं लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड फूड इनटेक, दिस मे लीड टू ओबेसिटी प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम फिजिकली सोशली एंड इमोशनली, ठीक है। तो ज़्यादा खाने की वजह से ओबेसिटी हो सकता है, उसके वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिजिकली शारीरिक तौर से भी हो सकते हैं, इमोशनली भी हो सकते हैं और मेंटली भी हो सकते हैं। ओबेसिटी इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूमरस मेडिकल प्रॉब्लम, अगर ओबेसिटी हो गया, मोटापा हो गया, तो बहुत सारे न्यूमरस हेल्थ कंडीशन या हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद सर्जरी, ठीक है, सर्जरी एसोसिएटेड प्रॉब्लम होते हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेबर एंड डिलीवरी, अगर जो हेल्दी होते हैं, नॉट हेल्दी, ओवरवेट होते हैं, जिनका वेट नॉर्मल बीएमआई से ज़्यादा होता है, तो उनको प्रेगनेंसी लेबर या डिलीवरी इस टाइम पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ इंक्रीज मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी, तो उनका जो डिसीज रेट है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब जितने मोटे लोग हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं कंपेयर टू हेल्दी वेट पीपल, ठीक है, जो नॉर्मल वेट है उनसे थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और उनका डेथ रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि डिसीज रेट ज़्यादा है तो डेथ रेट भी ज़्यादा होगा। नाउ जनरल असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, असेसमेंट का मतलब होता है जनरल जांच किया जाता है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसा है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट इंक्लूड हेल्थ हिस्ट्री, इंक्लूड डाइट हिस्ट्री, इवैल्यूएशन ऑफ फूड इनटेक, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट मतलब जो न्यूट्रिशन कम है या ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ये चीज़ का जांच जब होता है तो सब चीज़ देखा जाता है, उनका हेल्थ हिस्ट्री देखा जाता है कि वो हमेशा हेल्दी रहते हैं या अनहेल्दी रहते हैं, उनका डाइट हिस्ट्री देखा जाता है, उनका फूड इनटेक देखा जाता है कि वो खाना कितने मात्रा में खाते हैं, ठीक है। पेशेंट को, जो पेशेंट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स शारीरिक तौर से बस ऐसी विजुअल ऑब्जर्वेशन होता है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, जैसे ईयर है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उनका ईयर को विजुअलाइज बस किया जाता है, उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल असेसमेंट, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि आपको लग रहा है कि उनके दांत में क्या है, कैरीज है, ठीक है, मतलब डिकेड है, उनका दांत थोड़ा बहुत सड़ा हुआ है, तो एक्सरे करेंगे और उनको लगता है आपको कि उनका ब्रेन बिल्कुल, मतलब सर पे चोट लग गया है, इस कंडीशन पे सीटी स्कैन वगैरह करेंगे, तो ये सब चीज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस असेसमेंट अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन इज कॉन्टैक्टेड, अ वेरियस मेथड यूज टू टेक डाइटरी हिस्ट्री आर एस फॉलोस, ठीक है। जनरल असेसमेंट जब होता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट बस जब होता है, तो एक डाइटिशियन को बुलाया जाता है, डाइटिशियन के संपर्क में आके डाइटिशियन असेस करता है कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो उनका जो मेथड होता है, जो एक डाइटिशियन यूज़ करती है, उस मेथड का नाम है 24 आवर रिकॉल मेथड, फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनरीज, और नेक्स्ट है फूड डायरीज।